आज की आपकी वैकेंसी निकल कर आ रही है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। सैलरी भी आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से 12 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। आगे यहाँ पर बताया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स ओनली फॉर प्रोजेक्ट पोजीशन एज पर द डिटेल फॉर थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट अवार्डेड टू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बाई सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर देयर प्रोजेक्ट। यहाँ पर ऑल इंडिया से जो है एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट की। तो पोस्ट यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर साइट इंजीनियर की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है BBTech आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सैलरी आपको यहाँ पर 28,768 रुपये मिल जाएगी। अगली पोस्ट भी यहाँ पर आपकी सिविल इंजीनियर्स के लिए रहने वाली है। यहाँ पर आपसे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी यहाँ पर आपकी 26,313 रुपये रहने वाली है। अगली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है BBTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर आपसे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी आपकी जो है सेम रहने वाली है। अगली वैकेंसी आपकी BBTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए रहने वाली है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी आपकी यहाँ पर 26,313 रुपये रहने वाली है। और लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है BBTech मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सैलरी आपकी यहाँ पर 26,313 रुपये रहने वाली है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और आपके पास मिनिमम इतने ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए ज़रूर एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टाइम पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता रखा है ड्यूरेशन जो है यहाँ पर आपकी 18 महीने की रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन में, टू सुपरवाइज डे टू डे टेस्टिंग एंड चेकिंग ऑफ द वर्कमैनशिप एट द प्रोजेक्ट साइट एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंप्रेसिव रिपोर्ट। जो भी यहाँ पर साइट इंजीनियर का काम है, वही सारा आपका यहाँ पर काम रहने वाला है। और नोट में करके यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको जो है इसके लिए अप्लाई करने से पहले आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर आप इस सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करिए। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर रहने वाला है। वेन्यू यहाँ पर आपको दे रखा है, द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑन डेटेड 21 सितंबर 2022। रिपोर्टिंग टाइम यहां पर आपका सुबह का 10 बजे दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको ये इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, और एक सेट जो है आपको अपना फोटोकॉपी का बनाना है, वो आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। यहाँ पर जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दी गई है, और आपको पहुँच जाना है इस वाले एड्रेस पर 21 सितंबर को सुबह 10 बजे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTech कर रखा है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और आपके पास डिजायर्ड एक्सपीरियंस है, तो आप ये इंटरव्यू ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।